हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं AMD के RX 590 के बारे में और आपको बताएंगे कि आपको इसके बारे में एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं। RX 590 के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं AMD वर्सेस NVIDIA के बारे में कि ये जंग जो है वो चालू हुई कहां से थी। आपको मैं बता दूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम पहले ही अगर आप AMD की लाइनअप देखें ग्राफिक्स कार्ड वाली है, तो इनके पास था RX 570 और RX 580। केवल यही दो एक ऐसे कार्ड थे जो कि 1080p गेमिंग के कैपेबल थे और RX 580 को जो है वो एज अ फ्लैगशिप ट्रीट किया जाता था। वही NVIDIA की तरफ अगर आप देखें तो इनके पास था 1060, 1070, 1080 और 1080 Ti। मतलब कि NVIDIA के पास जो था वो 1080p गेमिंग से लेके 4K गेमिंग तक कार्ड्स थे। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आता है। रियल कंपैरिजन दोस्तों तब चालू होता जब AMD का फ्लैगशिप RX 580 का जो परफॉर्मेंस है वो NVIDIA के सबसे लोएस्ट कार्ड मतलब कि 1060 के जितना ही है, मैं बता दूं। और AMD के पास कोई भी ऐसा कार्ड नहीं था जो 1070 या 1080 या 1080 Ti के साथ कम्पीट कर सके। तो डेफिनेटली AMD जो है ग्राफिक्स के मामले में काफ़ी पीछे था NVIDIA से। तो इसके जवाब में AMD को कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो यहाँ पर AMD ने लॉन्च कर दिया RX 590। RX 580 और RX 590 अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे, मतलब कि दोनों स्पेक्स देखेंगे अगर आप, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। केवल जो डिफरेंस है वो केवल क्लॉक स्पीड में है, मतलब कि बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या RX 590 जो है वो रीब्रांडेड 580 है, थोड़ा सा उसे ओवरक्लॉक कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, RX 590 और 580 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है इनके आर्किटेक्चर में। आपको अगर याद हो तो RX 580 जो है वो पोलैरिस 20 आर्किटेक्चर पर बेस था जो कि 14 नैनोमीटर का होता है। उसी जगह RX 590 जो है उसका जो आर्किटेक्चर है वो है पोलैरिस 30 जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। तो आप ये समझ गए हैं, भले ही दिखने में सेम हो लेकिन दोनों के आर्किटेक्चर में काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस दोस्तों केवल यही नहीं आता, AMD ऐसा क्लेम करता है कि जो है जो कार्ड है 590 वो 580 से 20% ग्राफिकल परफॉर्मेंस में आगे है। लेकिन इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, ये काफ़ी सारे रिव्यूअर्स को सैम्पल मिल चुका है, उनके बेंचमार्क को अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि RX 580 और RX 590 में हार्डली 10% का डिफरेंस है। और वही अगर आप इसे GTX 1060 से कंपेयर करें RX 590 को, तो डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब आप यही सोच रहे होंगे क्या RX 590 वर्थ करता है आपको ख़रीदना। अब इसके बारे में बात करते हैं। बाहर दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो प्राइसिंग जो है वो RX 580 और 590 की बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखी गई है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रखी गई है, केवल $50 का डिफरेंस है। तो आज की डेट पे RX 580 आप जो है 21,000 रुपये का खरीद सकते हैं। वही GTX 1060 है वो भी 21,000 का ही मिलता है। तो इन दोनों की जब बात आती है तो मैं RX 580 को ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस है थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब आप RX 590 को देखते हैं, उसकी जो प्राइसिंग है वो आज ही लॉन्च हुआ है 28,000 रुपये का। तो 580 और 590 के बीच जो डिफरेंस है वो 7,000 रुपये का है। 7,000 रुपए के बदले आपको केवल 10% परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिलता है, जो कि मैं मानता हूँ थोड़ा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर RX 590 23,000 रुपए या 24,000 रुपए का लॉन्च हुआ होता तो मैं मानता हूँ ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता और 1060 की मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छे से उस टाइम पर धुल भी जाती। 10% परफॉर्मेंस के बदले आपको 7,000 रुपए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी ऑप्टिमल नहीं है, बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं है। तो वेट कर लेते हैं, हो सकता हो शायद अभी लॉन्च ज़्यादा ठीक से नहीं हुआ है, काफ़ी और ब्रांड भी लॉन्च करेंगे इंडिया में, तब हो सकता हो थोड़ा बहुत आपको प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाए। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप RX 590 के साथ जाते हैं तो आपको 3 PC गेम्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो कि हो सकता हो अगर आप गेम्स खरीदते हो तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है, अगर आप गेम्स नहीं खरीदते तो फिर आपके लिए बेकार है। वेल तो दोस्तों ये थे मेरे थॉट्स। आप कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं पोल दे दूंगा, आप वहाँ जाकर वोट कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।